बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी। उसमें ये दो लाइंस हैं जो अपोजिट साइड को कनेक्ट करती हैं, सी डी। और ये सब एरिया दिया हुआ है, जैसे डी ई बी का एरिया 1 है, ई बी सी का एरिया 4 है और सी ई एफ का एरिया 2 है। तो हमको ए डी ई एफ का एरिया निकालना है। तो अभी आप देखेंगे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जो ना कि रेक्टेंगल है और ना ही स्क्वायर है। तो इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एज इट इज़ देखने के लिए। बट हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि हम क्वाड्रिलेटरल को एज अ ट्रायंगल डिवाइड करके, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल के रूप में ब्रेक करके, यदि उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट में जो हमने पहले सीखा था, ये सवाल को भी करेंगे। हम क्या करते हैं कि ये एक ए और ई को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचते हैं, जो कि इसको दो भागों में डिवाइड करता है। दो ट्रायंगल मिल जाते हैं हमको, और ये ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं एक्स और इसका मान लेते हैं वाई। अभी आप ध्यान दीजिए, और ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इसको बी वन बी टू में बाइसेक्ट करता इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करता है, और ये बी थ्री बी फोर इस रे ये वाली लाइन बी एफ जो है ए सी को बी थ्री बी फोर के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। अभी आप देखिए ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, ये क्या हो जाएगा? 1/2 बी वन इंटू वॉट एवर हाइट, राइट? तो एरिया ऑफ डी बी ई, डी बी ई ये क्या हो जाएगा? 1/2 बी टू इंटू एच, ठीक है? तो ओके, और ये हमको दिया हुआ है, ये एरिया है एक्स और ये एरिया है वन, राइट? ठीक है। तो अभी इन दोनों का जो एरिया है उसको, ये वन इक्वेशन है, ये टू इक्वेशन है, इनको डिवाइड करते हैं इस तरफ, ये कट जाएगा। सो बी वन बी टू इज इक्वल टू एक्स वन बाई वन, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो एच एच कट जाएंगे, 1/2 1/2 कट जाएंगे, तो हमको एक चीज़ ये मिल गया। ओके, इसी प्रकार से यदि हम इसको देखेंगे, ए ई एफ का एरिया क्या है? वाई। ई एफ ई सी का एरिया क्या है? टू। और इन दोनों का जो एरिया है, क्योंकि हाइट सेम है, तो किसके रेशियो में होगा? बी थ्री बट्टे बी फोर, ठीक है? हमको दूसरी चीज़ यहाँ से मिल गई। ओके, यहाँ से देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वाई बाई टू, वाई दिया हुआ, वाई हमने एरिया माना है, टू एरिया दिया हुआ है, तो ये किस रेशियो में होगा? बी थ्री बाई बी फोर के रेशियो में होगा। ओके, इसको रब कर देते हैं। अभी हमको कुछ चीज़ें मिल गई हैं, जैसे बी वन बी टू इज इक्वल टू एक्स और वाई, बी थ्री बी फोर इज इक्वल टू वाई बाई टू, ये काम आएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए डी सी, ए डी सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बी वन इंटू हाइट, ओके, हाइट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस टू, एक्स प्लस वाई प्लस टू। उसी प्रकार से इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? बी डी सी, बी डी सी ये वाला ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बी टू इंटू एच, क्योंकि सेम पॉइंट से हाइट क्या इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी, राइट? क्योंकि सी इज द कॉमन पॉइंट। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4। तो अभी इन दोनों का भी रेशियो ले लेते हैं, तो ये और ये कट जाएंगे, यानी बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू बटे फाइव,
वही ओके, ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल का एरिया लेते हैं ए बी एफ, ए बी एफ, ए ए बी एफ, इसका एरिया कितना है, 1 + x + y, 1 + x + y। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी एफ सी ट्रायंगल, बी एफ सी, और इसको इन दोनों का रेशियो लेना है बेसिकली। तो बी एफ सी का ओके, बी एफ सी का क्या होगा, 6 2 + t। अभी इन दोनों का जो एरिया होगा वो किसके उसमें होगा, B3/B4 राइट, क्योंकि इसका ए बी एफ राइट, ए बी एफ का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू B3 राइट, और हाइट क्योंकि इन दोनों के केस में सेम होगी, इसलिए जो एरिया का रेशियो होगा वो B3/B4 होगा। तो हमको एक चौथा इक्वेशन मिल गया। अभी यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में B1/B2 है, तो B1/B2 इक्वल टू एक्स हमको वहाँ मिला हुआ है राइट, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो अभी क्या करते हैं, इसको x + y + 2/5 लिख देते हैं, B1/B2 की जगह पे x लिख देते हैं ओके, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया ओके। अभी x + x + 1 + x + y / 6 = B3/B4, B3/B4 क्या है, y/2 ओके, y/2 लिख लेते हैं। अभी हमारे पास इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अभी हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं जस्ट, अब इसको सॉल्व करना रह गया, इसको सॉल्व करते हैं, x + y + 2 = 5x ओके। सो इसमें से y का वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, तो y क्या हो जाएगा, y = 5x - x - 2 राइट, ये x को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x - 2। सो इस वाले इक्वेशन में से y का वैल्यू निकाल दिया, अब यही y का वैल्यू इधर पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमको ये हमारे पास इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं y = 4x - 2 ओके। अभी इसको मिटा देते हैं, फाइन। अभी ओके, इस इक्वेशन में y का वैल्यू रख देते हैं, 1 + x + y की जगह पे 4x - 2/6 = y का वैल्यू 4x - 2/2 ओके। अभी यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 = 6, तो अभी क्या हो गया, ये हो गया 5x - 1 = ये 4 × 3 = 12x - 6 3 × 2 = 6, x को इस तरफ ले आते हैं, 6 को इस तरफ ले आते हैं ओके। सो -1 + 6 = 12x - 5x, सो 7x = 5, दैट मीन्स x = 5/7। अभी x की वैल्यू आ गई 5/7, सो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y = 4 × 5/7 - 2, दैट मीन्स 20/7 - 2, दैट मीन्स 20 - 14/7, सो आपका y का वैल्यू आ जाएगा y = 6/7, x = 5/7, सो ये आपके आंसर होगी। थैंक यू।